नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन लगातार जारी है, तो बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिना किसी सूचना के 3 कर्मियों को हटाए जाने का लगातार विरोध हो रहा है। लाल बिहारी, अजय कश्यप, संतोष सिंह को हटाए जाने पर विवाद लगातार बरकरार है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस कर्मचारी सुबह से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिना सूचना 3 कर्मियों को उनके काम से हटाया गया है, जिसकी वजह से ये विरोध लगातार किया जा रहा है, जिनमें से लाल बिहारी, अजय कश्यप, संतोष सिंह का नाम सामने आ रहा है, जिन्हें हटाया गया है, जिस पर विवाद। तो लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर लगातार प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ कर्मी जो हैं वो बाहर लगातार धरना दे रहे हैं। कार्यालय पर प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस कर्मचारी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बिना सूचना 3 कर्मियों को हटाए जाने का विरोध लगातार जारी है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ नाम सामने आए हैं, लाल बिहारी, अजय कश्यप, संतोष सिंह को हटाया गया है। इनको हटाए जाने पर लगातार विवाद हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर सभी कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। ये कहें कि उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि बिना किसी सूचना के इन कर्मचारियों को उनके काम से हटा दिया गया, जिसके बाद नाराजगी जताते हुए ये लोग बाहर कार्यालय के प्रदर्शन करने बैठ गए हैं। जमकर नारेबाजी भी की जा रही है, क्योंकि उन्हें साफ नहीं हो पाए कि क्या वजह रही है, क्यों उन्हें उनके काम से हटाया गया है। मेरे सहयोगी नदीम खान मेरे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नदीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बड़ी खबर पर? बिल्कुल काजोल जी, आपको बता दूं, जो लखनऊ का कांग्रेस प्रदेश का कार्यालय है, इसके जो अंदर 20 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको जो बिना सूचना दिए 3 कर्मियों को हटा दिया गया। हालांकि जो 3 कर्मी नाम हटाया गया, उनको 3 नाम निकल के सामने आ रहा है, जो लाल बिहारी, अजय कश्यप और संतोष सिंह को जो हटाया गया बिना सूचना दिए। वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर ले तो एक कर्मचारी का ट्रांसफर भी किया गया। जो कर्मचारी है पूरी तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि 20 साल से लेकर अभी तक किसी का कोई कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया गया, लेकिन ऐसा क्यों किया गया बिना सूचना दिए। तो नदीम, क्या कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की तरफ से कोई यहां पर नोटिस दिया गया हो, कोई जानकारी मिली हो, इनसे मुलाकात की गई हो? कल कोई नोटिस दिया नहीं गया है। जो कर्मचारी हैं ये लोग ना पूरा प्रदर्शन 12 बजे से लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि जो कांग्रेस के अंदर जो भी प्रकार के अधिकारी हैं, जो उनसे मिलने आए, फिर कोई वार्ता करने नहीं आया है। जो एक हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनसे कोई वार्ता करने अभी तक नहीं आया, क्योंकि क्या ऐसी मांगे हैं जो इन लोग को बड़ा विरोध प्रदर्शन करने को मिल रहा है। ये किस विभाग में थे कर्मचारी और उनका क्या कहना है, क्यों इन्हें हटाया गया है, क्या बिना नोटिस दिए इन्हें हटाया गया, अब इनकी क्या मांगे हैं? बिल्कुल, कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि हमको बिना नोटिस दिए हटा दिया गया। 20 सालों से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 20 सालों में अभी तक कोई भी हमारे कर्मचारी, कितने भी कर्मचारी, किसी का भी ट्रांसफर जो है, जो एक कर्मचारी है उनका बिना सूचना दिए, राकेश कुमार उनका नाम है, बिना सूचना दिए उनका सीतापुर में ट्रांसफर कर दिया गया। इसी को लेकर जो कर्मचारी है पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और गेट का आला भी बंद कर दिया गया। हालांकि जो कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं वो कांग्रेस के अंदर कार्यालय के अंदर घुस ना पाए। क्या अपनी मांगों को लेकर उनका प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा नदीम? बिल्कुल, जिस तरह से इनकी मांगे हैं, अभी तक अंदर से कोई जो भी अधिकारी है कांग्रेस का, वो इनसे बाहर मिलने के लिए वार्ता करने नहीं आया है। तो हालांकि साफ तौर पर इससे मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने बोला है कि अगर कोई हमारी वार्ता करने नहीं आता, जो हमारी बातों को नहीं सुनता है, तो आगे भी हमारे यहाँ जो प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। ठीक है नदीम, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के। तो लखनऊ की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर लखनऊ के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर लगातार कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के उन्हें उनके काम से हटा दिया गया है। करीब 20 साल से वो काम कर रहे हैं और अभी तक कोई भी वार्ता उनकी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से उनका कहना है कि आगे भी उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।